पॉलिटिकल न्यूज, स्पोर्ट्स न्यूज, क्राइम न्यूज या न्यूज हो आपके राज्य, आपके शहर की, आपके आसपास हो रहा है भ्रष्टाचार, हम बनेंगे आपकी आवाज और पहुंचाएंगे आप तक हर सच, हर वो खबर जो है जनता से जुड़ी। बगहा से बड़ी खबर, ठगराहा में भीषण आगजनी, दो लापता, चार की मौत। बीते मोहन सिंह की रिपोर्ट। बगहा पुलिस जिला अंतर्गत ठगराहा थाना क्षेत्र के जागीराहा पंचायत अंतर्गत महादलित बस्ती थी स्थित वार्ड संख्या 5 और 7 में सोमवार की दोपहर भीषण आग लग गई। आग लगी की वजह बिजली की शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आगजनी की इस घटना में एक दुधमुहे बच्चे समेत 4 लोगों की मौत हो गई, 2 बच्चियां लापता बताया जा रहा है। दर्जन भर बकरियां जल गई। गाँव के बीचों बीच गुजरी 11,000 केवी की तार में एक ही समय अलग अलग 3 जगहों पर शॉर्ट सर्किट हुई और आग की लपटों ने पछिया हवा के साथ पूरे गांव को अपने चपेट में ले लिया और आधे घंटे के आगजनी में लगभग 250 घर जलकर खाक हो गए। ग्रामीणों से मिली सूचना पर ठगराहा में मौजूद अग्निशमन की वाहन मौके पर पहुंच गई। वीडियो अजीत सिंह, सीओ सुमित राज और थानाध्यक्ष भी दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। आग को बेकाबू देख बगहा फायर स्टेशन से अधिकारियों ने बड़ी दमकल को मंगवाया। दमकल की गाड़ी पहुंचने से पहले ही आग नियंत्रित हो गई। आगजनी की इस घटना में अपने बच्चों को घर से बाहर निकालने के दौरान राजेंद्र राम, दीपक राम आग के जद में आ गए और जिससे 45 वर्षीय राजेंद्र राम और उनकी 5 वर्षीय और दुधमुही पोती जलकर भस्म हो गए तथा कमरे में धुआं और तपासी के कारण दम घुटने से दीपक राम की मौत हो गई तथा 14 वर्षीय बुलट राम और जनक राम आग में झुलस गए जिनका इलाज पीएचसी में चल रहा है जबकि शंभू बल्ट राम को रेफर कर दिया गया। बचाव कार्य में जुटे लोगों ने बताया कि सिलेंडर फटने की वजह हुई धमाके की वजह से आफरातफरी के कारण बचाव कार्य में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। धमाका से उड़ी चिंगारी आसपास के गांव तक पहुंच गई जिसे तत्परता से ग्रामीणों ने बुझा दिया जिससे दूसरे गांव जलने से बच गए। मुखिया चंद्र बाबू ने बताया कि आग में जले 4 लोगों की मौत हो गई और जितेंद्र यादव की 4 वर्षीय और 5 वर्षीय पुत्री सपना और कल्पना लापता है जबकि आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 13 में रखे सभी कागजात व अन्य सामान जलकर नष्ट हो गए। मैं रोहित चौधरी, वज्रपात न्यूज, बेतिया।